स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और एक बार फिर से यहाँ पे आप लोग चैनल में देखेंगे तो एमसीबी गौतम, जिनको कि आपने पिछले कई वीडियो में देखा होगा, एक बार फिर इनका भी हम लोग स्वागत करेंगे अपने चैनल में। और आपने थंबनेल पे देखा, वो बिल्कुल सही लिखा था मैंने। और ये एमसीबी मतलब कि चंद्रभान गौतम है। और अभी इस समय हम लोग बैठे हुए इनके कंपनी के पास में, ये देखिए पीछे इनकी कंपनी दिखाई दे रही है। और इस वीडियो में इनका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। और इस समय कंपनी के पास में यूँ तो काफ़ी कंपनी का भी आवाज़ आ रहा होगा, और बाइक वगैरह ट्रक वगैरह जाएंगे तो उसका भी आवाज़ आएगा। और मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए नहीं आया था, मैं ऐसे ही आया हुआ था केवल इनकी कंपनी देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक वीडियो बना ही लिया जाए और लोगों को बताया जाए कि जैसे कि इतना पॉसिबल हो रहा है। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि कंपनी के बारे में बताया था, अपने कंपनी के बारे में। तो उस समय हम लोग इनका कंपनी ढूंढ रहे थे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो ये भी मेरे साथ में थे पर मेरे से एक पेज पीछे थे। तो मैंने इनको यहाँ पे बुलाया और जवाब दिलवाया, तो ये भी बहुत खुश है यहाँ पे। और एक बार इन्होंने भी मेरे को धन्यवाद किया। और आज की वीडियो में पूरा ये पूरा क्लियर कर देंगे और सारा बताएंगे कि क्या करते हैं ये और सैलरी कितनी है। तो आपका जॉब जो मिले उससे आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ। और आपको जॉब यहाँ पे मेरे वीडियो देखकर आपने यहाँ पे आने के लिए सोचा? तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बोल रहे हैं कि मैं आपका वीडियो देख करके यहाँ तक आया। और भी काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैंने अपना कंपनी दिखाया था, तो बताइए आप कंपनी में अभी किस पोस्ट पे हैं और क्या काम करते हैं और सैलरी कितनी है, सारा एक ही बार में आप डिटेल में पूरा बताइए। देखिए, मेरे कंपनी का नाम है कपारो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे देखो। और इसमें मैं प्रेस ऑपरेटर हूँ। मान लो प्रेस में जो भी मारुति सुजुकी का एक छोटा पार्ट हो या कोई भी हो, तो वो प्रेस से बनता है, डाई सेट होता है उसी में। उसमें डाई सेटर भी हैं, क्वालिटी वाले भी हैं, मेंटेनेंस वाले, टूल्स वाले हैं, रिवर्क वाले हैं। तो उसमें फ़ायदा ये है, फ़ायदा भी है। और जैसे कि उस कंपनी में बहुत से तरह के बेनिफिट है। अगर मान लो हम उस कंपनी में साल भर रह गए कंटिन्यू, या 2 साल रह गए, तो कंपनी अपने पेरोल पे ले लेगी। उसके बाद से कि हमारा महीने का सैलरी 18,000 बन सकता है। तो जैसा कि देखा आपने, इन्होंने सैलरी बताया अपना 18,000। और बहुत लोगों को बिलीव नहीं होता है कि 18,000 मिल सकता है, पर 18,000 के लिए मेहनत करना पड़ता है। और आप मेहनत करेंगे तभी आपको 18,000 मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि बिना मेहनत का 18,000 मिल जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रक बसें ये सारी आ जा रही हैं, जिसकी वजह से बीच में थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने अपना सैलरी भी बता दिया। और यहाँ पर भी डाई ऑपरेटर में है, और ये बता रहे हैं कि अगर अच्छे से कहीं पे भी अगर आदमी रुकता है तो उसका फ़ायदा ज़रूर होता है रुकने का। तो ये यहाँ पे रुके हुए थे और अच्छे से भी काम कर रहे हैं। अभी लगभग इनको 1 महीना हो गया, अभी इनका सैलरी मिलने वाला है। सैलरी कब मिलेगा आपको? हमारा सैलरी 10 से 13 के बीच में मिलेगा। अभी ये बता रहे हैं 10 तारीख तक इनका सैलरी मिल जाएगा। और पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं जो कि हम लोगों को देख रहे हैं। तो ये वीडियो केवल आप लोगों को ये बताना था कि इनका जॉब लग गया और इनको सैलरी मिल गया। अभी पीछे कुछ लोग चले जाते हैं तो फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो यहाँ पे इनका ये वीडियो था और एक छोटा सा इंटरव्यू था जो कि मैंने इनके बारे में पूरा बताया। आप भी जॉब करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कीजिए, और बहुत सारी जॉब है, मैं आपको आपके जैसा कि आपने पढ़ाई किया उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा। और सबसे खास बात ये दोस्तों कि आप ये मत सोच करिएगा कि आपको मतलब कि 20 से 25-30 हज़ार रुपये मिलेगा। अभी आप 12th पास करके ग्रेजुएशन में मतलब कि BA BSc कुछ भी करके आते तो आप फ्रेशर रहते हैं, और फ्रेशर होने के बाद से आपको लगभग 12 से 15 हज़ार या 18-20 हज़ार रुपये अधिक मिलता है। और 18-20 हज़ार भी कैसे मिलता है, जब आप ओवर टाइम करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं तब मिलता है। तो ये वीडियो केवल एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। अगर आपको भी जॉब करना है तो आप आइए यहाँ पे हमारे पास रेवाड़ी में। और ज़्यादा कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। और मैं ये ट्रक दिखाता हूँ आपको, देखिए अभी सामने से 2 ट्रक बहुत स्पीड में गए जिसकी वजह से आवाज़ धीरा हो गया था। और ये पीछे इनकी कंपनी है, कंपनी आपको दिखाई दे रही होगी। और इधर चारों तरफ देखेंगे तो केवल कंपनी है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि आप कहीं भी जाइए तो अच्छे तरीके से जाइए और बढ़िया तरह से संभल के वहाँ की पूरी डिटेल से जानकारी ले लीजिए, और वहाँ जिसके पास जाइए उसके संपर्क में रहिए। हाँ, इनके कहने का मतलब ये है कि केवल मेरे पे विश्वास करके, किसी विश्वास करके किसी कंपनी में नहीं जाना चाहिए। मैं हूँ या कोई भी, अगर कोई बताता है किसी कंपनी के बारे में कुछ भी बताता है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में नेट पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सारा देख लीजिए,
और अच्छे से पता कर लीजिए उसमें कोई ख़तरा तो नहीं है, क्या काम है, कैसे क्या होता है, और उसके बाद से जाइए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, आपका जीवन है तभी आप हैं और पैसा भी तभी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इन्जॉय करते रहिए।